हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। ABBMU BSc नर्सिंग सीनियर 2023-2024 के लिए एग्जामिनेशन हुआ था आपका। 4 जून को एग्ज़ाम रहा था। रिजल्ट आपका कल आ चुका है। जिसने एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं चेक किया है वो रिजल्ट जा कर के चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, काफ़ी बच्चे जो हैं डाउट में रहते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं मैं कमेंट में नहीं कर पाती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मेरी ID इंस्टाग्राम की है RAJSP371। यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए। डायरेक्टली आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेटली उसका आंसर मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की जो वीडियो है वो कौन कौन जो है अपना पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कम मार्क्स वाले वीडियो को ज़रूर देखें। किस तरीके से काउंसलिंग कराई जाए कि आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी अपडेट होगी, कोई न्यूज़ होगी तो आप डायरेक्टली वहाँ से अपडेट हो जाएंगे कि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और शो करा देना चाहती हूँ। काफ़ी बच्चे जो हैं परेशान हैं कि यहाँ पर नॉट क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग लिख करके आ रहा है, ठीक है। परसेंटाइल इतना बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की और बात है कि आपसे जो परसेंटाइल पूछा गया, सॉरी मांगा गया था, वो आपका कुछ इस तरीके से था। जनरल के लिए आपका 50% था, ठीक है। जनरल PWD के लिए आपका यहाँ पर 45% होना चाहिए। OBC SC SP के लिए यहाँ पर आपसे 40% जो है मांगा गया था। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स थे जो कि आप एलिजिबल होंगे किस चीज़ के लिए, आपको काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, क्वालिफाइड हो जाएंगे कि आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर नॉट क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं आपके में लिखा हुआ है, तो अब क्या करें कि आपको कॉलेज मिल जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि काउंसलिंग की जो प्रोसेस होने वाली है वो 1st, 2nd और 3rd, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग भी होगी, ठीक है। अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1st, 2nd, 3rd में तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर ऑफलाइन की काउंसलिंग हुई तो आप यहाँ पर ऑफलाइन में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। और ये रही बात नॉट क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग, जिस बच्चे में क्वालिफाई लिखा हुआ आ रहा है, एक मिनट में वो भी ओपन कर लेती हूँ। देखिए, इस तरीके से कुछ यहाँ पर आपकी परसेंटाइल बनी होगी, ठीक है, क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग। तो ये बच्चे क्या हैं, क्वालिफाई हो चुके हैं कि ये काउंसलिंग करवा सकते हैं। बट यहाँ पे प्रोसेस क्या रहने वाली है, ठीक है। प्रोसेस आपके फर्स्ट जो काउंसलिंग होगी उसमें जो अच्छी खासी रैंक वाले बच्चे होते हैं उनको कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। उसके बाद जो नीचे थोड़े से कम मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है, या ये तो हायर मार्क्स वाले हैं, जो तो थोड़े कम मार्क्स लेके आएंगे उनको सेकंड में मिलेगा चांस, ठीक है। जो थर्ड में है उनको थोड़ा सा, और जो कम मार्क्स लेके आए उनको मिलेगा चांस। मींस कहने का मतलब ये कि थर्ड में यहाँ पर देखिए, सभी बच्चे जो हैं लास्ट में काउंसलिंग करवाते हैं, तो सभी को चांस मिलने वाला है कि आप काउंसलिंग ज़रूर करवा लीजिए। उसके बाद ऑफलाइन अगर होगी तो ऑफलाइन में, अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए थर्ड में आपको नहीं मिला तो ऑफलाइन में आप करा लीजिए, ऑफलाइन में डेफिनेटली मिल जाएगा। वैसे बेसिकली मान के चलिए कि अगर क्वालिफाइड हैं तो आप फर्स्ट से ही अपनी काउंसलिंग करवा लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि मैम यहाँ पर 60 या फिर 61, ठीक है, 62, इस तरीके से मार्क्स हैं। 60 के अगर नीचे मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली ऑफलाइन काउंसलिंग में भी नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत कम मार्क्स हो जाता है। कम से कम 60 मार्क्स तो होना ही चाहिए कि आप ऑफलाइन काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑफलाइन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफलाइन में अगर आपको मौका मिला तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे किस तरीके से प्रोसेस रहेगा। कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, बेल आइकन प्रेस करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, डायरेक्टली आपके पास में इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियो के थ्रू पहुँच जाएगी। कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली पूछ लीजिए, मैं वहाँ पर डेफिनेटली आंसर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।